और स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है अयपप्पम कोशियम। और ये मूवी का सेकंड पार्ट, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी। अयपप्पन गाँव वापस आता है, वो सीधे कुट्टामनी के पास जाता है। वो उसके छाती पे लात मारता है, उसे घसीट घसीट के मारता है। कोशी वहाँ आता है और देख के डरता है। अयपप्पन कुट्टामनी को दूर फेंकता है और अयपप्पन जेसीबी में बैठता है और उसकी दुकान तोड़ देता है। और अयपप्पन कोशी को गुस्से में देखता है और पूरी दुकान तोड़ने के बाद वो कुट्टामनी को भी जेसीबी पे उठाता है। कोशी कुट्टामनी को बचाने के लिए अपनी कार नीचे खड़ी करता है और सीनियर ऑफिसर आता है और अयपप्पन से कहता है, पागलपन बंद करो। और अयपप्पन कुट्टामनी को छोड़ देता है और नीचे उतर कर कुट्टामनी से कहता है, अगर तुमने कंप्लेंट करी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। सीनियर ऑफिसर अयपप्पन से कहता है, इसकी दुकान पे स्टे लगा था। अयपप्पन कहता था, अभी मैंने खुद दुकान तोड़ी है, मैं लॉ नहीं मानता। अब सीनियर ऑफिसर कोशी के पास जाता है और कहता है, जब अयपप्पन 25 का था, उसने 13 लोगों का मर्डर किया था। जिन लोगों का उसने मर्डर किया था उन्हें वहाँ के लैंडलॉर्ड ने कमीशन दिया था यूनियन वर्कर्स को मारने के लिए कुमती फेस्टिवल में, और पुलिस कभी भी नहीं पता लगा पाई उन 13 लोगों को किसने मारा। और वहाँ के MLA मास्टर को पता चल गया था। उन्होंने अयपप्पन से कहा था, तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन अगली बार लॉ तुम्हारे साइड में होना चाहिए। और मास्टर जी ने ज़बरदस्ती उसे पुलिस में भर्ती करवा दिया था। और तुम्हें पता है उसे वहाँ क्या बुलाते थे? मंडूर वैम्पायर। यूनिफॉर्म की वजह से ही वो शांत रहता था, लेकिन तुमने उससे वही छीन ली। अब वो लॉ को नहीं मानता तो हम देखते हैं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और सीनियर ऑफिसर जाता है। कोशी का ड्राइवर कहता है, हमें घर लौट जाना चाहिए। कोशी कहता, नहीं, अगर हम घर लौटे तो ये धमाका वहाँ भी आ सकता है, और अगर पापा को गुस्सा आया तो उन्हें इस उम्र में जेल जाना होगा, इसलिए मेरे यहीं रहना सही है, मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। अभी फ़िलहाल मुझे दारू पीना है, चलो। और सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है। सुजीत एक ऑफिसर से कहता है, वैसे भी वो दुकान को तोड़ना ही था। और सीनियर ऑफिसर आता है, अयपप्पन से कहता है, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस थी, मुझे पता है तुमने ये सब कोशी को दिखाने के लिए किया। देखो तुम कुछ भी कर लो, मंडूर के वैम्पायर को वापस नहीं आने दूंगा, मैं लॉ फॉलो करूंगा। अयपप्पन कहता है, मैंने हेल्प नहीं मांगी। और सीनियर ऑफिसर कहता है, तुम जाओ यार यहाँ से। और अयपप्पन कहता है, जब आपने लॉ फॉलो करने का डिसाइड कर ही लिया है तो एक लॉ करेक्ट करिए कोशी के केस में। और सीन शिफ्ट होता है। कोशी ड्रिंक करता है, अपने पापा को यहाँ आने से मना करता है और कार से जाता है। कोशी कहता है, क्या लगता है? ड्राइवर कहता है, अगर वो आपको पीटना चाहता तो अभी तक इंतज़ार नहीं करता, क्या पता वो आपको जान से मारने का प्लान बना रहा हो। कोशी कहता है, इतने से मैटर के लिए। ड्राइवर कहता है, वो कुट्टामनी को बस मारने ही वाला था, वो पागल है, आप मत डरिए। कोशी डरते हुए कहता है, मैं डर नहीं रहा, मैंने भी कश्मीर में 6 से 7 लोगों को मारा है। ड्राइवर हंसता है। कोशी कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बस इस बात का डर है कि इंसाफ उसके साथ है। और पुलिस की कार आती है और वो कार सीज करते हैं और ड्राइवर को पकड़ के ले जाते हैं। कोशी कहता है, ये सब क्या है? सीनियर ऑफिसर कहता है, इस कार में दारू स्मगल हुई थी और ड्राइवर का भी हाथ है। और कोशी कहता है, तुम गंदी चाल चल रहे हो। सीनियर ऑफिसर कहता है, वो तुम करते हो, मैं तो बस लॉ को फॉलो कर रहा हूँ। और कोशी सुजीत से फ़ोन मांगता है। सुजीत कहता है, सब रिकॉर्ड में लिखना है, स्टेशन आके कलेक्ट करना। और पुलिस जाती है। कोशी को पैदल चलना पड़ता है बहुत दूर तक, वो थक जाता है। अयपप्पन बाइक से आता है। कोशी कहता है, यही तुम्हारा एंड था? अयपप्पन कहता, नहीं अभी उसमें टाइम है। थक गए होगे क्या, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? तो मांग लो, हाथियों को आने का भी टाइम हो गया है। कोशी कहता है, तुम्हारे से लिफ्ट लेने से अच्छा तो मैं हाथियों से मरना पसंद करूँगा। वो आगे बढ़ता है अयपप्पन बाइक से, उसे डराता है। कोशी इशारे में लिफ्ट मांगता है और वो बैठता है उसकी बाइक पे। और अयपप्पन कहता है, तुम्हारे घर से कोई आ रहा है? कोशी कहता है, क्यों? अयपप्पन कहता है, तुम्हारी डेड बॉडी किसी को तो लेने आना होगा। कोशी कहता है, अपने आप को सच के वैम्पायर समझ रहे हो क्या? मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। अयपप्पन कहता है, किसी को मारना आसान होता है लेकिन मारने से बचाना मुश्किल होता है कोशी, उसके लिए स्किल चाहिए, वो है तुम्हारे पास? और कोशी एक औरत का चाकू छीनता और अयपप्पन के गले पे लगाता। अयपप्पन नहीं डरता। कोशी कहता है, मैं तो जिंदा वापस चले जाऊंगा लेकिन तेरा पता नहीं, क्या तू मरना चाहता है? अयपप्पन नहीं डरता, वो बाइक रोकता है। कोशी औरत को चाकू वापस करता है। अयपप्पन कहता है, आज मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब तेरे सारे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएंगे, तब तू घर कॉफिन में ही जाएगा। और अयपप्पन उसे छोड़ के चले जाता है। कोशी डरता है और उसे पैदल ही जाना पड़ता है। और सीन सुजीत पे शिफ्ट होता है। वो अयपप्पन को फ़ोन देता है कोशी का। और सुजीत कहता है,
मैंने इसे रिकॉर्ड में नहीं डाला था। और वो जाता है आय पपन कोशी के फ़ोन से, उसके पापा को फ़ोन करता है और कहता है, तेरे बेटे का सर मेरे पास है, कुछ टाइम में मैं सर अलग कर दूंगा बॉडी से। कोशी के पापा कहते हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आय पपन कहता है, अगर मैं लॉ फॉलो करता तब तो अपने कॉन्टैक्ट से मेरा कुछ बिगाड़ पाता, लेकिन अब मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो तू बस देख मैं क्या करता हूँ। और वो फ़ोन कट करता है। कोशी के पापा एमएलए को फ़ोन लगाते हैं और हेल्प करने के लिए कहते हैं। एमएलए मना करता है और कहता है, उसके साथ सही हुआ, उसने मेरी बात नहीं मानी। और वो फ़ोन कट करता है। और कोशी के पापा कोशी के दोस्त को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, तुम कोशी के पास पहुँचो। कोशी का दोस्त कहता है, नहीं वो फ़ोन नहीं उठा रहा और ड्राइवर का भी फ़ोन नहीं लग रहा, लेकिन हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और सीन कोशी पे शिफ्ट होता है। वो बहुत थका हुआ था, वो होटल जाता है लेकिन कोई भी होटल वाला उसे रूम नहीं देता। कोशी के पास पैसे नहीं थे। वो कहता है, मैं पैसे कल दे दूंगा, मेरा आदमी आ रहा है। होटल वाला मना करता है और वो कहता है, हमें अपन सर ने मना किया है, वो बहुत अच्छे हैं, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। कोशी गुस्से में जाता है। सीन पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होता है। सीनियर ऑफिसर कहता है, अब ये कोशी कहाँ गायब हो गया और आय पप्पन क्या कर रहा है उसके साथ? अभी भी मुझे अपने सीनियर्स का फ़ोन आया है, वो कह रहे थे आय पप्पन ने कोशी के फ़ोन पे धमकी दी। कोशी का ड्राइवर कहता है, उनका फ़ोन तो कार में था। सीनियर ऑफिसर सर सुजीत को देखता है और उसे अंदर ले जाता है और कहता है, तुमने उसे फ़ोन दिया? सुजीत कहता है, यस सर। सीनियर ऑफिसर कहता है, मैं नहीं चाहता था यहाँ खून खराबा हो, तुम क्या कर रहे हो आय पप्पन की मदद? सुजीत कहता है, सर आय पप्पन सर सही है, अगर कोई डिफेंस पे किसी को मारता है तो वो बात अलग होती है। सर पुलिस ऑफिसर बनने से पहले मैं बहुत पुलिस वालों से पिट चुका हूँ, भले मेरी नौकरी भी चली जाए तब भी मैं आय पप्पन सर का ही साथ दूंगा। और सीनियर ऑफिसर जाता है और वो कुछ ऑफिसर को ले जाता है कोशी को ढूंढने। सुजीत भी चलने के लिए कहता है, सीनियर ऑफिसर उसे आने के लिए मना कर देता है। और सीन शिफ्ट होता है। सीनियर ऑफिसर कोशी के पास जाता है। कोशी पेड़ के नीचे सो रहा था। सीनियर ऑफिसर कहता है, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कोशी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं थे और आय पप्पन ने सबको मुझे रूम देने से मना कर रखा है तो मैं और क्या करता। सीनियर ऑफिसर कहता है, मेरे साथ चलो मैं रूम दिलवाता हूँ। कोशी कहता है, मुझे भीख नहीं चाहिए। और सीनियर ऑफिसर कहता है, खाना चाहिए? कोशी कहता, नहीं वो भी भीगी है। सीनियर ऑफिसर जाता है। कोशी कहता है, बस एक कॉल करवा दो मुझे, अपने घर में कॉल करनी है। सीनियर ऑफिसर फ़ोन देता है लेकिन वो बीच में रुकता है और कहता है, अभी तो तुमने कहा कि तुम भीख नहीं देते, तुम्हें भीख नहीं चाहिए। तब भी सीनियर ऑफिसर को फ़ोन आता है आईजी का और सीनियर ऑफिसर कहता है, सर कोशी हमें नहीं मिला अभी भी। और वो जाते हैं। कोशी सब समझता है और कोशी के दोस्त आते हैं। वो कोशी को देख के कोशी के पापा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, वो मिल गया। और कोशी अपने पापा से बात करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशी कहता है, चलो पहले चाय पीते हैं। और कोशी चाय पीता है और कोशी का दोस्त उसी होटल में रूम लेता है। कोशी के पापा ने कोशी के दोस्त के साथ गुंडे भी भेजे थे लेकिन उसके पापा ने मना किया था कि गुंडों के बारे में कोशी को पता नहीं चलना चाहिए। और गुंडे भी होटल में रूम लेते हैं और कोशी के पापा ने बैग में दारू और गन भिजवा रखी थी। वो दारू पीते हैं और बॉटल छुपाते हैं। और सीन गुंडों पर शिफ्ट होता है। गुंडों का लीडर अपने आदमियों से कहता है, हमें इस झमेले में ज़्यादा नहीं पड़ना, वो खतरनाक हो सकता है, जब तक हमारे लोगों पे खतरा ना आए तब तक हम सिर्फ डिफेंस ही करेंगे। और बाहर आए पप्पन आता है। कोशी गुस्से में उसे देखता है। पप्पन उसका फ़ोन रोड पे फेंकता है और ट्रक उसके फ़ोन को कुचल के चली जाती है। कोशी को गुस्सा आता है। कोशी का दोस्त गुंडों को बताता है। कोशी गुस्से में जाता है और आए पप्पन की बाइक की हेडलाइट तोड़ देता है। और आए पप्पन भी उसे लड़ाई करने लगता है लेकिन गुंडे आकर आए पप्पन को रोकते हैं और कहते हैं, ये छोटा मैटर है, 500 में सेटल हो जाएगा। आए पप्पन को शक होता है। वो कहता है, तुम कौन हो? गुंडे कहते हैं, हम यहाँ खेती चेक करने आए हैं। आय पप्पन समझ जाता है ये कोशी के गुंडे हैं और आय पप्पन जाता है। गुंडा कहता है, अगर उसे पता चल गया है कि हम कोशी को बचाने आए हैं तो? गुंडों का लीडर कहता है, हमारा ही काम आसान होगा। और सीन शिफ्ट होता है। कोशी और कोशी का दोस्त और उसका वकील कुट्टामनी के पास जाते हैं। वो चाहते थे कि कुट्टामनी कंप्लेंट करे आय पप्पन के खिलाफ लेकिन कुट्टामनी डरा हुआ था। वो मना करता है और वो कहता है कि उसे जेल में डालने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम उसकी वाइफ को जेल में डाल दो तो काम हो जाएगा। कोशी गुस्से में कहता है, ये हम मर्दों की लड़ाई है, हम परिवार को बीच में नहीं लाएंगे। कोशी अपने वकील को लेकर जाता है। कोशी का दोस्त रुकता है और कुट्टामनी से कहता है, मुझे प्लान बताओ। और सीन शिफ्ट होता है। कोशी का दोस्त कोशी के पापा को प्लान बताता है और सीन आईजी पे शिफ्ट होता है। वो सीनियर ऑफिसर को बुला के कहता है, अय पप्पन की वाइफ के ऊपर चार्ज है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफिस पे हमला किया था उस पे सीरियस चार्ज है, उसे अरेस्ट करो। सीनियर ऑफिसर कहता है, सर उसका बच्चा बहुत छोटा है, हमें उसे भी कस्टडी में लेना होगा।
फिर ह्यूमन राइट्स का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आईजी कहता है तो मैं क्या करूँ। अयप्पन पागल हुआ बेटा है, उसे समझाओ। मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अयप्पन की वाइफ को लुकआउट नोटिस जारी कर दूंगा और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है सीनियर ऑफिसर अयप्पन को यही सारी चीज़ें एंड करने के लिए कहता है। अयप्पन मना करता है और कहता है ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है, मैं ऐसे एंड नहीं कर सकता। देखिए उसने गुंडे भी बुलाए और गुंडे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। सीनियर ऑफिसर कहता है कोशी आने वाला है। गुंडा कोशी के दोस्त को कहता है उसे कहना स्टेशन में कोई लफड़ा मत करना क्योंकि हम स्टेशन के अंदर नहीं आएंगे। और कोशी आता है और साइन करता है। सीनियर ऑफिसर कहता है तुम जाओ अपने घर वापस, मैं देख लूँगा। कोशी कहता है मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, पहले अयप्पन को समझाइए, मैं उसी की कन्वीनियंस के लिए तो यहाँ रुका हुआ हूँ। अच्छा वैसे तुमने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाया है तो सुनो, मैं कभी पहले शुरुआत नहीं करता, इस बार नहीं की थी, मेरी तरफ से ख़त्म है। अगर ये अब पहले शुरुआत करेगा तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अयप्पन उठता है और कोशी को मारता है। बहुत सारी पुलिस दोनों को सेपरेट करती है। कोशी कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और कोशी सीनियर ऑफिसर से कहता है इसने मेरे पे हाथ उठाया है, इसे जेल में डालो। और कोशी बाहर जाता है और कहता है मैं कुट्टा मनी नहीं हूँ जो डर जाऊँगा, हिम्मत है तो बाहर आ और लड़ मेरे से, अब मैं तुझे बताता हूँ। सीनियर ऑफिसर अयप्पन को सारी बात बताता है कि उसे ऊपर से प्रेशर आ रहा है अयप्पन की वाइफ को अरेस्ट करने का। अयप्पन कहता है वो अरेस्ट नहीं होगी, मेरे से फ़ोटो ले लेना उसकी और लुकआउट नोटिस जारी होने दो, मैं देख लूँगा। और सीनियर ऑफिसर दो ऑफिसर्स को कोशी की प्रोटेक्शन के लिए भेजता है। सुजीत कहता है प्रोटेक्शन में मैं भी जाऊँगा प्लीज़। और सीनियर ऑफिसर के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानता और वो जाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। गुंडा अपने आदमी को कहता है अयप्पन बहुत खतरनाक है। और सुजीत और एक ऑफिसर आते हैं कोशी के पास और कहते हैं हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। कोशी कहता है मुझे नहीं चाहिए। और कुछ देर बाद अयप्पन वहाँ आता है, कार के ऊपर चढ़ के वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता है और कोशी के गुंडों को मारता है। और अयप्पन कोशी के गुंडों को गिरा गिरा के मारता है। कोशी भी बाहर आता है, पुलिस बस देखती है। अयप्पन कोशी से कहता है तुम इन्हें जानते हो। कोशी कहता है मैं इन्हें कैसे जानूंगा, उसे कुछ नहीं पता था। अयप्पन कहता है तुम इन्हें नहीं लाए। और अयप्पन सुजीत से डंडा लेता है और गुंडों को बहुत मारता है। और कोशी का दोस्त कोशी के पापा को बताता है कि अयप्पन हमारे गुंडों को मार रहा है। कोशी बातें सुनता है, अपने दोस्त को थप्पड़ मारता है और उसे सच पता चलता है। कोशी अयप्पन के पास जाता है, सीनियर ऑफिसर आता है और कोशी कहता है देखो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इन गुंडों को मेरे पापा ने भेजा था, मुझे इस बारे में नहीं पता था और अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। अयप्पन कहता है मैं भी, लेकिन तुम अभी पुलिस प्रोटेक्शन में हो, अगर मैंने तुम्हें मारा तो मेरे लड़के तुम्हें बचाएंगे और मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। सीनियर ऑफिसर अयप्पन से कहता है जाओ स्टेटमेंट दर्ज करवाओ। और अयप्पन जाता है और सीनियर ऑफिसर कोशी से कहता है तुमने कहा तुम्हारे पापा ने गुंडों को भेजा था अयप्पन को मारने के लिए ना, तो तुम्हारे पापा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा इस उम्र में जेल जाए तो तुम अयप्पन की वाइफ का लुकआउट नोटिस रुकवाओ जो तुम्हारे पापा की वजह से जारी होने वाला है। कोशी गुस्से में अपने दोस्त को देखता है और कोशी के दोस्तों को ले जाया जाता है जीप में। सीनियर ऑफिसर कहता है गंदे गेम खेलना बंद करो, उसके परिवार को बीच में मत लाओ। और सीनियर ऑफिसर जाता है और कोशी का वकील केस लड़ने से मना करता है। दूसरा वकील करने के लिए कहता है उसने ड्राइवर की बेल करवा दी थी। और कोशी रूम में जाता है और कहता है कार की चाबी ले लो, हम घर जा रहे हैं। और कोशी घर के लिए निकलता है। ड्राइवर कहता है सर आपके घर जाने का फैसला अच्छा है। कोशी कहता है मैं बस पापा को समझाने जा रहा हूँ और कल ही वापस आ जाऊँगा। और दूसरी तरफ अयप्पन अपनी वाइफ के साथ दूर छुपता है ताकि पुलिस उसकी वाइफ को अरेस्ट ना कर पाए। और कोशी घर जाता है और खुश होता है अपनी बेटियों को देख कर। कोशी पानी पीता है, उसके पापा आते हैं और कहते हैं अयप्पन ने जो तुझे पानी पिलाया उससे पेट नहीं भरा क्या तेरा। कोशी कहता है आप पे मर्डर अटेम्प्ट का चार्ज है। उसके पापा कहते हैं मर्डर का तो नहीं है ना, छोड़ हटा। और हाँ मैं तुम्हारे लिए दूसरा वकील करवाता हूँ। कोशी कहता है पहले आप गंदा गेम खेलना बंद करो, आपने जो करा उसका नतीजा बहुत ख़राब हो गया। क्या ज़रूरत थी उसकी वाइफ को अरेस्ट करने के लिए, लुकआउट नोटिस जारी कराने की, और आपने गुंडे भी भेजे, ये गलत है। उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये किया, मैं मॉरल पे नहीं चलता, उसने हमसे पंगा लिया था, मैंने उसकी वर्दी छीन ली, ये मेरा स्टाइल है। कोशी कहता है आपने उसकी वाइफ का लुकआउट नोटिस जारी करवाया, वापिस से रुकवाइए वरना आपको पता है इसका एंड कहाँ होगा। एक की वाइफ विधवा होगी और दूसरे की वाइफ मर्डरर की वाइफ के नाम से जानी जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। और कोशी की वाइफ डर जाती है। कोशी के पापा कहते हैं ऐसे डर के जीने का क्या फ़ायदा। कोशी की वाइफ कहती है कोशी से कि प्लीज़
अब यहीं रुक जाओ, हमें कोई बदला नहीं लेना। कोशी के पापा कहते हैं कोशी की वाइफ से, तुम अंदर जाओ। कोशी की वाइफ कहती है, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, आप अंदर जाइए। कोशी अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है और कहता है, ये बात तुम बहुत पहले नहीं बोल सकती थी। कोशी के पापा हैरान होकर अंदर जाते हैं। कोशी अपनी वाइफ और बेटी को देखता है और उसके बाद अगले दिन वो अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाता है। उसका ब्रदर इन लॉ उसे पेपर्स देता है। वो पेपर्स लेकर वो डीएसपी के पास जाता है और कोशी डीएसपी को कहता है, सर ये मेरे फेक मेडिकल ट्रीटमेंट के पेपर्स हैं। इसके हिसाब से मैं अल्कोहल एडिक्ट था और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था एक हॉस्पिटल में, और जिस दिन मैं दारू ले जाते हुए पकड़ा गया था उस दिन मैं हॉस्पिटल से भागा हुआ था। मुझे अल्कोहल का बहुत एडिक्शन है और दारू ना मिलने की वजह से मैं बेकाबू हो गया था, इसलिए अपन ने मुझे दारू पिलाई थी एस मेडिसिन ताकि मैं कंट्रोल में आऊँ, और मैंने अपनी स्टेटमेंट भी हैंड रिटन लिख दी है। इतना काफ़ी है अयप्पन की जॉब वापस दिलवाने के लिए? डीएसपी कहता है, इससे तो तुम हमेशा के लिए रिकॉर्ड में एक अल्कोहलिक एडिक्शन पेशेंट बन के रह जाओगे। कोशी कहता है, चलेगा सर, लेकिन अयप्पन को यूनिफॉर्म पहनाना बहुत ज़रूरी है। बिना यूनिफॉर्म के वो जेल से छूटा कैदी बन जाता है और उसका वापस वैम्पायर बनना सही नहीं होगा, इसलिए उसे वापस ड्यूटी ज्वाइन करवाना बहुत ज़रूरी है। डीएसपी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। और सीन शिफ्ट होता है, अपन कोशी के घर आता है। कोशी के पापा पीछे गन छुपा के उसके सामने आते हैं। कोशी की वाइफ कोशी को फ़ोन करती है। अपन कहता है, कोशी बहुत दिनों से गायब था इसलिए मैं यहाँ आ गया, उसे बाहर बुलाओ। कोशी के पापा कहते हैं, वो यहाँ नहीं है। अपन कहता है, झूठ मत बोलो, इस उम्र में जल्दी बुलाओ। कोशी की वाइफ आती है, अपन को फ़ोन देती है। कोशी कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मैं तेरा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, अब जल्दी यहाँ आ, अगर तू मेरे से मिलना चाहता है मेरे परिवार को छोड़ दे। अयप्पन कहता है, लेकिन तुम्हारे पापा गन लेकर खड़े हैं, अगर सेल्फ डिफेंस में मैंने उन्हें मार दिया तो मुझे मत कहना। और कोशी के पापा गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं, तू गया। और अयप्पन नहीं डरता, वो गन नीचे करता है और गन फायर होती है। कोशी डरता है, अयप्पन गन छीनता है, बुलेट्स निकालता है और वापस देता है और कहता है, अपने बेटे के लिए कॉफिन तैयार रखना, और वो जाता है। कोशी बहुत डर गया था, वो फ़ोन पे हेलो हेलो कहता रहता है। उसकी वाइफ रोती है। कोशी के पापा कोशी को कहते हैं, अब ये सिर्फ तेरा मैटर नहीं रहा, अब ये मेरा मैटर भी हो गया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आकर मुझे धमकी देने की। और सीन शिफ्ट होता है, कोशी बहुत टेंशन में था। ड्राइवर कहता है, हम तो सब ठीक करना चाहते थे। कोशी कहता है, मेरे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा, और अब जो भी एंड होना है होने दो। सुजीत आता है और कहता है, अयप्पन तुम्हारे घर गया था क्या? मैंने ही उसे तुम्हारा एड्रेस दिया था एफआईआर से निकाल कर। कोशी कहता है, मुझे भी अयप्पन का घर पता है। सुजीत कहता है, वहाँ कोई नहीं है, सर ने अपनी वाइफ और बच्चों को पहले ही कहीं दूर शिफ्ट कर दिया। कोशी कहता है, तब भी मैं उसके घर जा रहा हूँ। और रात को कोशी अयप्पन का घर तोड़ देता है जेसीबी से। सीनियर ऑफिसर सुबह आता है। सुजीत कहता है, सर ये कोशी ने किया है, वो कल कह रहा था कि वो अयप्पन के घर जाएगा। सीनियर ऑफिसर कहता है, वो नहीं, ये दुश्मनी कहाँ तक जाएगी? अयप्पन कहाँ है? सुजीत कहता है, वो बस आ रहे हैं, मैंने उन्हें बता दिया है। सीनियर ऑफिसर कहता है, जल्दी कोशी के पास चलो। और सीन शिफ्ट होता है, अयप्पन गुस्से में आता है, कोशी के सामने उसकी कार जला देता है। कोशी गुस्से में आता है उसे मारने, और दोनों के बीच लड़ाई होती है और अयप्पन उसके चेस्ट दबा देता है और कोशी को बहुत दर्द होता है, वो बेहोश होने वाला था। सीनियर ऑफिसर उसके ऑफिसर्स आकर उसे छुड़ाते हैं। कोशी के सांस में सांस आती है और सीनियर ऑफिसर कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जान से मार दोगे क्या? और वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सीनियर ऑफिसर कहता है कोशी से, ये तुम्हारे घर ही तो गया था, तुमने इसका घर ही तोड़ दिया, ये बिहार और हरियाणा नहीं है, अपनी दुश्मनी ख़त्म करो, अब बहुत हुआ, अब तुम दोनों की एक भी नहीं चलेगी। और सीनियर ऑफिसर पहले कोशी को जेल में डालने लगता है। अयप्पन मना करता है और कहता है, आप इसे तभी जेल में डाल पाएंगे ना जब मैं कंप्लेंट करूँगा। सीनियर ऑफिसर कहता है, अच्छा तो बताओ तुम्हारा घर कैसे टूटा? अयप्पन कहता है, टोर्नेडो में। सीनियर ऑफिसर कहता है, इसे छोड़ो, हम तुम्हें जेल में डालते हैं। कोशी कहता है, मैं भी कंप्लेंट नहीं करना चाहता। सीनियर ऑफिसर कहता है, अच्छा तो तुम्हारी कार कैसे जली? कोशी कहता है, मैंने खुद जला दी, मुझे पसंद नहीं थी। सीनियर ऑफिसर कहता है, तुमने पब्लिक एरिया में जलाई, चलो तुम जेल में चलो। अयप्पन कहता है, पब्लिक में ऐसी हरकतें करने पर 500 रुपये फ़ाइन होता है। कोशी 500 रुपये देता है और कहता है, मुझे रसीद नहीं चाहिए। सीनियर ऑफिसर कहता है, तुमने एक दूसरे को मारने का मन बना लिया है ना? कोशी कहता है, हाँ। सीनियर ऑफिसर कहता है, जब तक मैं यूनिफॉर्म में हूँ मैं कोशिश करूँगा तुम दोनों एक दूसरे को टच भी ना कर पाओ। और अयप्पन जाता है। सुजीत कहता है, मैं क्या करूँ? सीनियर ऑफिसर कहता है, तुम चुपचाप स्टेशन में ही बैठो। और कोशी जाता है। सीनियर ऑफिसर उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ।
अगर आज मैं 10 सेकंड भी लेट होता ना तो तुम मारे जाते। यही लोग अपन ने पहले भी दिया था लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिया था, लेकिन तुम्हारे केस में उसने पहले ही दिया है। इसका मतलब वो तुम्हें जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा, वो तुम्हें सच में जान से मारना चाहता है। तो कोशिश करो ना मरने की। कोशी कार में जाता है, वो अपने पापा को चाय पीता देखता है। वो उनके पास जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो बताओगे? उसके पापा कहते हैं, मैं उस सुअर को तड़पते हुए देखने आया हूँ, तैयार रहना। जब उसे पता चलेगा उसकी वाइफ अरेस्ट होने वाली है तब तुम तैयार रहना। प्रूफ करने का टाइम है, तुम मेरा खून हो या नहीं, तुम भाग भी सकते हो। कोशी को गुस्सा आता है, वो जाता है। वो बहुत परेशान था, वो सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करता है और कहता है, तुमने मुझे टिप दी थी ना, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और सीनियर ऑफिसर बाद में ऑफिसर से कहता है, कोशी की फाइल निकालो। और वो कोशी के पापा को अरेस्ट करके लाते हैं। कोशी के कहने पर सीनियर ऑफिसर ऑफिसर को कहता है, इन्हें सब जेल में ले जाने से पहले कुछ खिला देना, जेल में खाने का टाइम ख़त्म हो गया। कोशी के पापा कहते हैं, मैंने जेल का बहुत खाना खाया है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जो कर रहे हो ना तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। सीनियर ऑफिसर कहता है, ठीक है। और कोशी और अपन का चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम दोनों अपना सीजन चालू करेंगे, ठीक है, अब जाओ। और सीन शिफ्ट होता है, अपन अपनी वाइफ से कहता है, तुमने फ्यूचर के बारे में सोचा है ना? उसकी वाइफ कहती है, मैं अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देके अपने बच्चों को पाल लूँगी। अयप्पन कहता है, लॉयर पे पैसे वेस्ट मत करना, कोर्ट तुम्हें अरेंज करवा के देगी। और अयप्पन जाता है, वो जानता था उसकी वाइफ अरेस्ट होने वाली है। और आईजी और बहुत सारे ऑफिसर्स अयप्पन को पकड़ते हैं और उसे हथकड़ी लगाते हैं, और उसकी वाइफ को अरेस्ट करके ले जाया जाता है। आईजी कहता है, तुम बच्चे को रख सकते हो। अयप्पन अपनी वाइफ की तरफ देखता है, उसकी वाइफ कहती है, मैं बच्चे का ख्याल रख लूँगी। और उसकी वाइफ को ले जाया जाता है और अयप्पन को छोड़ा जाता है। और गुस्से में कोशी के वो होटल जाता है, उसे वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। होटल वाला कहता है, कोशी चला गया। अयप्पन कोशी के दोस्त का कॉलर पकड़ता है और उसका गला दबाता है। उसका दोस्त कहता है, हमें नहीं पता कोशी कहाँ है। और अयप्पन कहता है, उसे कह देना सुबह 10 बजे से पहले यहाँ आ जाए, वरना मैं उसके वहाँ आके उसे मारूंगा। और अयप्पन जाता है। कोशी का दोस्त कोशी को फ़ोन करके बताता है और सीन शिफ्ट होता है। सुबह जब अयप्पन उठता है, कोशी वहीं बैठा हुआ था। कोशी कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुमसे डर के नहीं गया, मैं उस जगह पर गया था जहां प्रोटेक्शन नहीं है, हम दोनों की कन्वीनियंस के लिए। और कोशी खड़ा होता है और कहता है, वहां मेरे 0 कॉन्टैक्ट्स हैं, वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे, तो कल वहां मिलना। अयप्पन कहता है, कल का वेट क्यों, आज क्यों नहीं? कोशी कहता है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मुझे कॉफिन भी ऑर्डर करना है बॉडी के लिए। और कोशी जाता है। और अगले दिन अयप्पन उस जगह पे जाता है जहाँ कोशी ने बुलाया था। कोशी अपने ड्राइवर से कहता है, तुम्हें पता है ना डेड बॉडी को शेव करने के बार बार आता है, हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ड्राइवर कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं? कोशी कहता है, समझ जाओगे। कोशी को पता था वो मरने वाला है, सीनियर ऑफिसर दूर से सब देख रहा था। कोशी कहता, देखो मैं अकेला आया हूँ। अयप्पन कहता है, तुम अकेले नहीं आए हो, इन्हें क्या तुम्हारी अपनी मौत का विटनेस बनाने लाए हो क्या? कोशी के दोस्त भी वहाँ थे। कोशी कहता, तुम्हारी वाइफ और बच्चे जेल में हैं, लेकिन तुम्हारा घमंड कम नहीं हुआ? अयप्पन कहता है, कम करके दिखा। और कोशी एक आदमी को धक्का देता है और अयप्पन को मारता है। अयप्पन भी मारता है और बहुत तगड़ी फाइट होती है। कोशी वही लॉक लगाने की कोशिश करता जो अयप्पन ने लगाया था, लेकिन वो लगा नहीं पाता। अयप्पन उसे लगा देता है, लेकिन कोशी बड़ी मुश्किल से वो छुड़ाता है। और दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं। सुजीत किसी को लड़ाई के बीच में नहीं आने देता। लास्ट में अयप्पन वापस लॉक लगा देता है। कोशी को बहुत दर्द होता है, वो बेहोश होने वाला था। आईजी आता है, सीनियर ऑफिसर सबको ऑर्डर देता है और सब लड़ाई छुड़वाते हैं। अयप्पन कहता है, मुझे छोड़ दो, आज ही मरेगा। सीनियर ऑफिसर कहता है, बस करो, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अयप्पन नहीं रुकता। सीनियर ऑफिसर कहता है, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल गई है। आईजी कहता है, कल स्टेशन आ जाना रिपोर्ट करने। अयप्पन कहता है, मेरी यूनिफॉर्म पहनने से वो जेल से बाहर नहीं आएगी। वो अपनी वाइफ की बात कर रहा था। आईजी कहता है, उसे छोड़ दिया। डीसीपी के कहने पर सीनियर ऑफिसर कहता है, अब शांत हो जाओ प्लीज़। और कोशी बहुत थका हुआ था, वो अपनी बॉडी में पानी डालता है। अयप्पन भी, कोशी कहता है, मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट यूज़ करे तुम्हें वापस यूनिफॉर्म दिलाने के लिए, क्या रिटायर होने के बाद तुम मेरे पीछे वापस आओगे? अयप्पन कहता है, मेरे रास्ते में वापस मत आना। वैसे तुम्हें लॉक किसने सिखाया था? कोशी कहता है, मुंडूर की आंटी ने। अयप्पन स्माइल करता है और जाता है स्टेशन। और सीनियर ऑफिसर उसे जेल में डाल देता है और कहता है, ऑर्डर अभी तक नहीं आया तुम्हारी सर्विसिंग ज्वाइन करने का, लेकिन ऑर्डर आज या कल में आने वाला है। तब तक तुम यहीं रहो, यही बढ़िया रहेगा। और उसकी वाइफ उसके सामने आती है। अयप्पन शांत होता है। कोशी कार में अपने ड्राइवर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि पापा मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे।
और सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद अपन का ट्रांसफर होता है। एक ऑफिसर कहता है, तुमने होम टाउन में ट्रांसफर क्यों नहीं लिया, तुम्हें पनिशमेंट मिली है क्या? अयपन कहता, नहीं, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ ट्रांसफ़र करवाया है। और बाद में हमें पता चलता है अयपन ने कोशी के एरिया में ट्रांसफ़र करवाया था। और अयपन कोशी के पास जाता है, कोशी के पापा हैरान होते हैं, उन्होंने कोशी को माफ़ कर दिया था। अयपन कहता है, मैं यहाँ का नया ऐसा ही हूँ और ट्रेडिशनल मीटिंग के हिसाब से मैं यहाँ टाउन के इम्पोर्टेंट लोगों से मिल रहा हूँ। और वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, कोशी भी हाथ मिलाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।